टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कृषि कानून पर पूरे देश में जबरदस्त राजनीति हो रही है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनते हैं कि कब वैक्सीन आएगी और कब सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। केंद्र सरकार ने 3 किस्म के प्रायोरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन आएगा एकदम से उसकी प्रोडक्शन तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती कि सारे देश को एक साथ दिया जा सके, उतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो प्रायोरिटी एरिया 3 किस्म के प्रायोरिटी एरिया बनाए गए हैं कि पहले इन लोगों को दिया जाएगा। उसमें है सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया हेल्थ केयर वर्कर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितने लोग हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग ऐसा एस्टीमेट है कि 3 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। दूसरा है फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जैसे म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, इस किस्म के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स बोला जाता है। दिल्ली में उम्मीद है ऐसे लोगों की संख्या लगभग 6 लाख है। और तीसरी कैटेगरी है वो लोग जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, या अगर 50 साल से कम उम्र के हैं तो उनको किसी किस्म की कोमोर्बिडिटी है कि 50 साल से उम्र तो कम है लेकिन डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारी है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें कोरोना कई बार जानलेवा हो जाता है। ऐसे लोगों की संख्या दिल्ली में लगभग 42 लाख है। तो 42 लाख और 6 लाख, 48 लाख और 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, 51 लाख लोग दिल्ली में हमारे प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, वो प्रायोरिटी कैटेगरी जो केंद्र सरकार ने डिफाइन की है। इन सब लोगों को चिन्हित लगभग कर लिया गया है, जो थोड़ा बहुत काम बचा है मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। 1 आदमी को 2 डोज लगेंगी तो 51 लाख लोग मतलब 1.2 करोड़ डोज की ज़रूरत पड़ेगी पहले फेज़ में इन प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए। हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी है, लेकिन इसको बहुत जल्द अगले 5-7 दिन के अंदर, सारा काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, अगले 5-7 दिन के अंदर मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1.15 करोड़ डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो एक तरह से हमें प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए 1.2 करोड़ डोजेस की ज़रूरत है और हमारे पास कुछ दिन में ही 1.15 करोड़ वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमारी वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन जिन लोगों को जो कैटेगरी, जो प्रायोरिटी कैटेगरी है, तो जब वैक्सीन आएगी तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को SMS के ज़रिए या अन्य तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन यहाँ पे पहुँचना है अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपको इसके बारे में सूचित करेगी। दिल्ली के अंदर वैक्सीन देने के लिए जितनी भी साइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी भी लोकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी सारी तैयारी की जा रही है और सफिशेंट लोकेशंस हैं, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मैन पावर की, जैसे 1 लोकेशन के ऊपर 5 लोगों की टीम बनेगी, तो जितनी भी टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी उन सारी टीम्स को चिन्हित कर लिया गया है
उन सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है, उन सबकी ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। तो एक तरह से सारी तैयारियां कंप्लीट की जा चुकी हैं। और मान लीजिए खुदा ना करे किसी को वैक्सीन देने के बाद अगर कोई गलत इफ़ेक्ट आ जाता है, अगर कोई उसको साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसको तुरंत उसका उसके ऊपर उसका इलाज करने का भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। उसके लिए जो स्पेशलिस्ट्स की ज़रूरत है, जो डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है कि उसको तुरंत उसके लिए उसका इलाज किया जा सके, उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो अब हम सब लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीन्स को हमारे देश में भी अप्रूवल मिलेगा। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो दिल्ली को जैसे ही वैक्सीन मिलेंगे, हम जल्द से जल्द सबसे पहले इन प्रायोरिटी ग्रुप्स को हम वैक्सीन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नमस्कार। आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से दिया जाएगा, कितने लोगों को दिया जाएगा, ये जानकारी वो दे रहे थे। वैक्सीन जिन्हें दिया जाना है उनकी पहचान हो चुकी है। पहले फेज में 1.2 करोड़ डोजेस की ज़रूरत है। जिनको वैक्सीन लगनी है उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अब एक बार फिर से बात